अच्छा बेटा सुनिए जरा, आप लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे। आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया गया था इसी चैप्टर की थ्योरी में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जिसमें आपके पास जीरो ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर था, सेकंड ऑर्डर था और थर्ड ऑर्डर था। देखो होता यह है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो फिलहाल अभी की हमारे बात में कंसिडरेबल नहीं है, ठीक है, इसको आप कर लो नॉट कंसिडरेबल, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लीनियर रिलेशन रहता है, यानी कि जितना रिएक्टेंट बढ़ाओगे उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस हिसाब से बढ़ेगा, सेम एज इंक्रीज इन प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट, सॉरी, जितना रिएक्टेंट बढ़ता है उतना ही आपके पास ये चीज बढ़ जाती है। लेकिन जब बात आती है बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो अगर आप सेकेंड ऑर्डर, कोई ऐसा रिएक्शन हो जो सेकेंड ऑर्डर हो, उसमें अगर आप रिएक्टेंट की वैल्यू को डबल करते हो, सही है, तो रेट जो है आपके पास वो 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। और अगर आप इसमें मतलब बेसिकली जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, वहां पर ये हमारे पास जो वैल्यू थी रेट ये आया था ना, अब ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट के साथ मुझे कोफिशिएंट नजर आ रहा है 2, तो ये कैसा रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर मैं इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की वैल्यू को डबल करता हूं, ठीक है, रिएक्टेंट को मैं डबल करता हूं, तो रेट जो है आपके पास वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, इसको मैं डबल करूंगा तो मेरे पास रेट 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर, और ये सिंपल भी है बेटा, देखो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो याद कि सर रिएक्टेंट पे स्क्वायर लगा है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो इट विल बिकम 4, सिंपल है ना, अगर मैं 3 का स्क्वायर लूंगा तो इट विल बिकम 9, ये बात समझ में आ रही है? जी सर, तो इसलिए जो रेट यहां पर आया है, सही है, जो रेट यहां पर आया है क्योंकि मुझे इसी रेट की वैल्यू को यहां पुट करना है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को डबल करके यहां से डिवाइड करना है, तो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है बिकम्स 4 टाइम्स बाय डबलिंग दी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट की अमाउंट को डबल कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आपका जो डीएक्स ओवर डीटी है, जो आपका आया है 1.01 एक्सपोनेंट -3 आई गेस, यही आया है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। अब बताइए क्या आंसर आ रहा है डीएक्स ओवर डीटी का, 4 से मल्टीप्लाई होकर। सर 4.04 एक्सपोनेंट -3 4.04 एक्सपोनेंट -3 आपके माइनस थ्री पास आंसर आ रहा है, ये आपके पास रेट आ गया। क्या हो गया,
ये आपके पास बेटा रेट आ गया है। अब जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, यहां पे लिख देते हैं नाउ फाइंडिंग के, dx ओवर dt इज इक्वल टू k और no का स्क्वायर। तो अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन 4.04 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, k आपको मालूम करना है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी आपके पास 0.75 थी, इसको आपने डबल किया, ये हो गया 1.5 और इसका स्क्वायर लो। अब 4.04 एक्सपोनेंट माइनस 3 को आप डिवाइड करो 1.5 के स्क्वायर से, क्या आंसर आ रहा है जरा देखना। 1.8 ही आ रहा है तकरीबन, वेरी गुड, सही हो गया ये 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, यूनिट इसका क्या होगा, अभी फिलहाल मैं ऊपर से देख रहा हूं, मोलैरिटी इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। मोलैरिटी इनवर्स का मतलब हुआ डीएम क्यूब अपॉन मोल और सेकंड, ये आपके पास के की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? जी सर। तो ये वापस से रिपीट कर सकते हैं ऑर्डर वाली बात? ऑर्डर वाली बात बेटा मैंने आपको ये समझाई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो एप्लीकेशन था ना, जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल में समझ में आनी है बात, तो ये थी कि तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम रेट डबल करते हैं तो 4 times बन जाता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम रेट कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो वो 9 times बन जाता है, फर्स्ट ऑर्डर में सेम रहता है, बस ये वाली बात है। अब चूंकि यहाँ पर ऑर्डर बहुत सिंपल है, तो कोफिशिएंट देखो रिएक्टेंट का क्या है, 2 है और सेकंड ऑर्डर है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑर्डर। सही है, तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझा दिया गया। अब कुछ और करते हैं, 2000 का न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोरोकार्बोनेट, इसके डीकम्पोजिशन के लिए के की वैल्यू बता रहे हैं 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 सेकंड इनवर्स एट 200 डिग्री सेल्सियस। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम करनी है। सबसे पहले आप डेटा बना लीजिए, आपको के की वैल्यू बताई गई है। जी बेटा सर ये तो आसान आसान है ना, आप थोड़ा मुश्किल वाला करा दें। बात तो सही है मुश्किल वाला, लेकिन मुश्किल वाला भी मैं कराऊं क्यों, सवाल ये। हाँ चलो पहले हम ट्राई कर लेंगे। उसूली तौर पे तो ये तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं ना ऐसा कि ये मैं नहीं कर रहा। अच्छा जी, 2002 का इंजीनियरिंग देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली जो ये रिएक्शन है इसका ऑर्डर बताया जा रहा है सेकंड, और रेट इसका बताया जा रहा है, यानी कि dx ओवर dt की वैल्यू बताई जा रही है 0.18 मोल मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी पर सेकंड, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हमें बताई जा रही है एसीटोन की, ये एसीटोन है वो बताई जा रही है 0.20 मोलर। अच्छा हमें क्या मालूम करना है जी, हमें मालूम करना है इसके अंदर K मालूम करना है, रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, और R मालूम करना है, मतलब यानी कि dx ओवर dt मालूम करना है, जबकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब न्यूमेरिकल टाइप करते हुए मैंने कोई गलती की है इसके अंदर, उसकी वजह ये कि यार मेरिकल जब टाइप हुआ होगा, क्योंकि यार ये मुमकिन नहीं है कि सेम ही चीज पर आपसे पूछ लिया जाए, काम क्या निकलता है। सबसे पहले जो मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
CH3CHO dx over dt is equal to k CH3CHO. ठीक है जी, ये मेरी पहली चीज आ गई जिसको मुझे मालूम करना था, ये आ गई रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अब मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू k और CH3COH कर दिया यार, इसको चला लेना भाई। dx ओवर dt रेट मुझे दिया हुआ है 0.18, k की वैल्यू यही रहेगी, इसको आप कर लीजिए, ये दिया हुआ है 0.20 मोलर का स्क्वायर, 0.20 मोलर का स्क्वायर, तो k की वैल्यू 0.18 डिवाइडेड बाय 0.20 का स्क्वायर। आंसर बताइएगा बेटा सर 4.5 आ रहा है। ठीक है 4.5 यूनिट आ जाएगा इसका, टीएम क्यूब अपॉन मोल इनटू सेकंड्स। अब के आने के बाद अब वही बात आती है कि जब हम सेम वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी कि ये के की जगह पुट करके कॉन्सेंट्रेशन वो निकालेंगे तो हमारे पास dx ओवर dt वही आ जाएगा जी सर। तो इसको यहीं तक कर रहा हूं मैं, इसके आगे कर नहीं रहा क्योंकि यकीनी तौर पे मेरे से सवाल में कुछ गलती हुई है। आप अपनी मर्जी से अगर चाहें तो कोई भी वैल्यू रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। और कोई सवाल या कंफ्यूजन बेटा किसी को? आई गेस नहीं।